हेलो एवरीवन दोस्तों, गाइस इस टाइम हम लोग हैं हाजीपुर में, यानी कि बिहार में, और हाजीपुर से हम लोग का सफ़र शुरू होने वाला है। नंबर है 15231 बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस, जो कि बरौनी से गोंदिया भी चलती है। ट्रेन की टाइमिंग हम बात करें तो ये बरौनी से सुबह 10:05 खुलती है और नेक्स्ट डे शाम को 5:40 पे गोंदिया पहुंचाती है। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1522 यानी कि 1522 किलोमीटर विद टाइम ऑफ 17 hours 30 minutes अप्रॉक्स। बट लेकिन हम लोग इस ट्रेन को बोर्ड करेंगे कहाँ से आपको बताए हैं, हाजीपुर से देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है और वहाँ पार्किंग की जो फैसिलिटी है ना, वो काफ़ी मतलब कि खुले में प्लेटफॉर्म है, कंजेस्टेड नहीं है। और इधर अपना नेशनल फ्लैग देख सकते हैं, एकदम मस्त लहराता हुआ, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो सुबह चलिए चलते हैं अपनी ट्रेन, तो अप्रॉक्स 40 मिनट डिले चल रही है, और चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, फिर उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और प्लेटफॉर्म में अंदर एंट्री करते टाइम आपको यहाँ पे इंडियन रेलवे का फूड ट्रैक मिल जाएगा साइड। इस प्लेटफॉर्म हम लोग एंट्री कर चुके हैं प्लेटफॉर्म 1 पे, और अनाउंसमेंट हो रहा है, सुन सकते हैं। तो हम लोग को फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना होगा। ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और हम लोग इस ट्रेन से लगभग 190 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 3 hours के साथ अप्रॉक्स 5 hours 5 minutes में। तो बस ट्रेन आ चुकी है, चलिए चलते हैं अंदर, ट्रेन में बोर्ड करते हैं, उसके बाद यहाँ से 190 किलोमीटर जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आए तो चिनिया किला ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि हाजीपुर का फेमस है यहाँ का। 6 दीजिए आप लोग बताया था हाजीपुर का चिनिया किला बहुत फेमस है, तो हम लोग आए तो हम लोग ले लिए हैं, देख सकते हैं। अब आए हैं तो नहीं खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, अब फिर कब पता नहीं हाजीपुर आना होगा नहीं आना होगा, घर जाके फिर सोचेंगे खाली होते, इसीलिए 6 ही लिए हैं, 20 रुपये दर्जन मिलता है और काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, मतलब कि एक बार में एक किला ख़त्म हो जाएगा, इतने छोटे होते हैं। आप लोग बता दें तो ये जो यहाँ का जो चिनिया किला है ना, बस इतना छोटा होता है, देख सकते हैं, समझ ही सकते हैं आप लोग। और अभी ट्रेन हॉर्न भी दे चुकी है यहाँ से, बस अब यहाँ से रवाना भी हो चुकी है हाजीपुर से। और डिले की बात करें तो 30 मिनट डिले रवाना हुई है यहाँ से। जल्दी मिलते हैं हाजीपुर।
अभी जस्ट अपनी ट्रेन ने क्रॉस की है सोनपुर जंक्शन, तो उसके बाद लगभग अप्रॉक्स 1 आवर 30 मिनट बाद आएगा छपरा, और नींद थोड़ी लग रही है तो चलते हैं सोते हैं, सीधे मिलते हैं आप लोग से कहाँ पे छपरा में। तो गाइस जैसा कि आपसे हम लोग बोले थे कि छपरा में आप लोग से मिलेंगे, चलते हैं सोने, बट सो गए थे और उठे तो अपनी ट्रेन छपरा से रवाना हो चुकी है। देख सकते हैं प्रेस रवाना हो चुकी है, तो अब नेक्स्ट स्टॉप पे जाएगा सुलेमानपुर और फिर उसके बाद आएगा बलिया, लगभग 1 आवर बाद आएगा, तो अब सीधे मिलते हैं बलिया में। वो देखिए अभी तक एक तो लटकी रहा है, ट्रेन भी यहाँ से रवाना हो चुकी है, फिर भी देखिए एक कूद गया। देखा सुलेमानपुर में फिर ट्रेन रुकी हुई थी और उन बंदरों का नौटंकी आप लोगों ने दिखाई, तो ट्रेन की मिरर खिड़की पे सब लटक रहे थे। इसी साइड आएगा, अगर एक नंबर मिलेगा तो इसी साइड आएगा। गुड इवनिंग, इस टाइम हम लोग हो चुके हैं बागी बनिया, आप लोग पता ही होगा बलिया को बागी बनिया बोलते हैं, और इसका स्टेशन कोड है BUI और हम लोग की ट्रेन यहाँ पे लाई है 10 मिनट डिले और हम लोग ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन बात करें तो 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 78 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है और यहाँ से 10 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं और 10 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं बलिया से। यहाँ के फ्रीडम फाइटर जो यहीं पे मतलब कि उनका जन्म हुआ था, मंगल पांडे हो गए, चित्तू पांडे हो गए, जनेश्वर मिश्रा जो कि एक इंडिया को आज़ाद करने बहुत ही एक अहम रोल निभाए थे वो लोग, और सबसे पहले वही लड़ाई में आगे बढ़े थे, इसलिए बलिया को बागी बलिया भी कहा जाता है। और यहाँ का अगर मेजर अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी जगह है, सबसे एक तो अच्छा ही फेस्टिवल यहाँ की दादरी मेला जो कि इसी टाइम होने वाली है, बट कोविड वजह से कुछ सालों से नहीं हो रहा है और इस साल भी कोई डेट अभी तक नहीं आया है, तो देखिए कब तक होता है, लेकिन जो दादरी मेला होता है ना वो काफ़ी फेमस है यहाँ का। उस साइड से कोई ट्रेन जा रही है, देखते हैं कौन सी है। ताप्ती गंगा ट्रेन रवाना हो चुकी है बलिया से 20 मिनट डिले के साथ। शाम के बज रहे हैं 4:40 और अप्रॉक्स 1 आवर लगे यहाँ से हम लोग को गाजीपुर सिटी पहुँचने में, और हम लोग का गाजीपुर सिटी फाइनल डेस्टिनेशन है, तो उससे पहले शाम का टाइम तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, सनसेट व्यू देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा हुआ है और गांव के साइड में जो सनसेट व्यू होता है ना एकदम देखने वाला होता है, तो चलिए देखते हैं सनसेट व्यू। उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सनसेट व्यू देखिए। Come to the garden, darling, I
किए थे वो हम लोग दिन में सफ़र शुरू किए थे और अब जाके रात हो चुकी है, मतलब कि हाफ डे एंड हाफ नाइट हो सकते हैं इस सफ़र को। और हम लोग अप्रॉक्स 10 मिनट में अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचने वाले हैं गाजीपुर। हम लोग पहुँच चुके हैं गाजीपुर सिटी, जिसका स्टेशन गोजी सिटी, और यहाँ पर हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन है जैसा कि आपको बताया था। बता दें तो इस जर्नी जो थी ये बिहार की से यूपी तक की थी, तो आई होप आप लोगों ने तो अच्छा लगा होगा बिहार से यूपी तक दोनों स्टेट कम्बाइन एक ही जर्नी में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल कमेंट कर दीजिएगा यूपी बिहार से जो भी होंगे, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आदि ब्लॉग्स आप तक पहुंच सके। तो आज करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पिन, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I'll get you get